हतहीन वाई जी हतहीन हतहीन Do they cannot hear you? Sure, we can't hear you. Can't hear you. Okay, fine. Can you hear me now? Yes. Yes. Okay. Just yes. I would let me know. Sorry about that. Okay, I'll have to do that again. Okay. A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. So this is our part two of Surah Al-Zilzal. Or second कर रहे थे बाखरजत अर्दो अस्कालहा तो जमीन अपने अंदर से हर चीज निकाल कर फेंकेगी और अस्कार तो उसके ऊपर सकील है, बोझ है। तो हम हमारा जो भी लिविंग जीना और रहना और जो भी हंगामे करना इस दुनिया की जमीन पर और इसके जो खजाने हैं सोना चांदी हीरे जवाहरात हर चीज जमीन उठा के बाहर फेंकेगी ये उस पर बोझ अस्कार जो उसके ऊपर का बोझ था वो उसे निकाल कर बाहर फेंक अब आगे बढ़ते हैं कि मैं आपको बता रही थी कि सही मुस्लिम की रिवायत है उसमें जो अबू हुरैरा से मिलती है हमें उसमें रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जमीन हर चीज निकाल कर बाहर फेंकेगी अपना जिगर कलेजा निकाल कर बाहर फेंकेगी जमीन अपना जिगर कलेजा निकाल कर बाहर फेंकेगी ठीक है और उसके जिगर कलेजे से हर चीज सोना चांदी अरे कॉलम्स होंगे सोने और चांदी के जो वो निकाल कर बाहर फेंकेगी ओके और उस वक्त एक मर्डरर सोचेगा कि क्या मैंने इस वजह से ये मर्डर किया था इस जमीन के लिए इसके लिए इसमें है क्या क्या मैंने इसके लिए मर्डर किया था तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब देखें इंसान ये सोचेगा इंसान ये सोचेगा क्या मैंने ये जमीन का हाल देखी क्या हो गया है पूरी टूट फूट गई है सब कुछ निकल के बिखर रहा है और यही सोने चांदी के जो माउंटेन्स थे जिनमें हम जाके डिग करते थे खजाने ढूंढते थे वो सब बिखर गया है और किसी को इसकी जरूरत नजर नहीं आ रही है और सब कुछ टूट गया है आप एक जलजले वाले साइट की थोड़ी सी यादगार कीजिए कभी मूवी में देखा हो अखबार में देखा हो न्यूज में देखा हो कि जब ये जलजला जहां आता है उधर क्या हाल होता है लाशें बिखरी पड़ी होती हैं किसी का सर टूटा पड़ा है किसी की टांग नजर आ रही है किसी का धड़ पड़ा है कोई बच्चे पड़े हैं कोई लोग पड़े हाल बुरा होता है लोगों की चीजें बिखरी होती हैं घर ऐसे लगते सब खत्म हो गए सुभान अल्लाह इट्स अ क्योटिक सीन जब आप उस सीन में खड़े होकर आप सोचेंगे मैंने
और आपको ये पता है कि सारी जमीन इस हालत में है, तो एक मर्डरर वहां उठकर ये कहता है, तो क्या इस जमीन के लिए मैंने मैंने मर्डर तक किए थे? चोर उठ के कहता है कि मैंने हाथ चोरी कर कर इस जमीन के लिए अपने हाथ कटा दिए थे, ये तो खत्म हो गई। तो एक चोर उठकर यूं कहता है, फिर एक आदमी कहता है उठकर, इस जमीन के लिए, इसकी चाहत के लिए, इसमें अपने आप को पोजीशन में बनाने के लिए मैंने अपने रिश्ते काटे थे। माँ से रिश्ता तोड़ दिया था, बहन से रिश्ता तोड़ दिया था, या भाई से रिश्ता तोड़ दिया था, इसके लिए, इस दुनिया के लिए जो खत्म हो गई, टूट फूट गई, एक जलजले में बिखर गई, पूरी बिखर गई, माउंटेन उड़ने लगे, जमीन बिखर के इधर उधर हो गई, हर चीज ऐसे बिखर रही है। तो उसपे से रसूल सल्लम ने इस तरह से बताया कि क्या मैंने इसके लिए सब कुछ किया था? और फिर वो लोग, वही मर्डरर, वही चोर और वो आदमी जिसने अपने रिश्ते नाते तोड़े थे, उठकर ऐसे ही चले जाएंगे वहां से, एज इफ कि हमने सब कुछ गंवा दिया, इतना कुछ किया, एक जुल्म किया दुनिया में, रिश्ता तोड़ना एक जुल्म है, चोरी करना जुल्म है, मर्डर करना जुल्म है, ये सारे जुल्म हमने किस लिए किए थे? दुनिया की लालच में, दुनिया की मोहब्बत में, कुछ हासिल करने के लिए, दुनिया की चीजें हासिल करने के लिए। आज सब खत्म हो गया, सब फना हो गया, सब वेस्ट हो गया। फिर आगे आगे वाली आयत करते हैं, वखरजत الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, और कहेगा इंसान, ما لها, ये क्या है, इसे क्या हो गया है, ये क्या है? तो इंसान उस वक्त क्या कह रहा होगा, وقال الانسان ما لها, इंसान कहेगा, وقال الانسان, और मा लहा। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह ताला और भी अल्फाज हैं जिससे अल्लाह ताला इंसान के बारे में बताता है, ठीक है, जैसे नफ्स भी इंसान है, लेकिन यहां वर्ड अल्लाह ताला ने इंसान यूज किया है, वकाल अल इंसाना मा लहा, इसकी भी रीजन है। पहले ये गौर कीजिए, ये जुमला कह क्या रहा है, अल्लाह सुबहाना ताला हमसे कह रहे हैं कि इंसान उठकर जब ये हाल देखेगा ना, कहाँ से उठ के देख रहा है वो, उस जमीन में से, सब बिखर गया, अगर हम पहले से मर गए तो हम अंदर है जमीन के, तो हम जमीन के अंदर से निकल रहे होंगे, और जो उस वक्त गिर के मरेंगे वो वहां से उठ रहे होंगे, उठकर यही देखेंगे तबाही, हर चीज खत्म हो गई, फना हो गई, ये सारी जमीन गिर रही है, टूट रही है हर जगह से, और अंदर धसती जा रही है, और सब कुछ उड़ रहा है, और सब कुछ अजीब हालत हो गई है। तो उस वक्त इंसान कह रहा है, मा लहा, ये क्या है, इसको क्या हो गया है, ये क्या है? और इंसान का वर्ड क्यों यूज किया? इस वजह से कि इंसान का वर्ड आता है निस्यान से, निस्यान कहते हैं भूलने को, और इंसान भूल जाता है कि उसे पहले भी पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन वो भूल गया, और इस जमीन के लिए उसने अपनी हर चीज लगा दी, चोरी भी कर डाली, मर्डर भी कर दिया, और रिश्ता भी तोड़ दिया, और क्या कुछ नहीं किया, जुल्म पे जुल्म किए उसने, दूसरों पे जुल्म किए, अपने पे जुल्म किए, किस लिए? इस जमीन के लिए। तो तुम्हें तो पहले ही पता था कि जमीन का ये हाल होना है, तुम्हारे लिए नया क्यों है? क्या तुम्हें पता नहीं था कि जमीन ऐसे होगी, बिखर जाएगी, टूट जाएगी, फना हो जाएगी? तुम्हें बताया तो गया था। तो यहाँ एक ख्याल तो ये आता है कि इसका ताल्लुक जो है नॉन बिलीवर्स से है, जिनको पता था पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, जैसे हम उन्हें बताते रहे हैं नॉन बिलीवर्स को कि भाई एक दिन सब खत्म हो जाना है,
और उन्होंने कभी इसको बिलीव ही नहीं करके दिया कि ये एक दिन सब फना हो जाएगा। इंसान जो है वो भुलक्कड़ है और भूल जाता है क्योंकि निस्यान से बना है, तो वो उठकर यही पूछेगा कि क्या हो गया। और जो ईमान वाला है उसको तो पता होगा कि ये होना है, ये क्या हो गया नहीं बोलेगा क्योंकि वो जानता है ये तो होना ही था, ये तो हमें बताया गया था। लेकिन बाकी लोग, जनरल लोग यही कहेंगे ये क्या हुआ। ठीक है, सो वकाल अल इंसानु मा लहा। अब आगे चलते हैं, अल्लाह ताला कहता है यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। यौम इज़िन और उस दिन, ओके, जिस दिन अल्लाह ताला बता रहा, किस दिन, अब उस दिन का जिक्र हो चुका, किस दिन, जिस दिन जलजला आएगा, जिस दिन जलजला आएगा जमीन टूट के बिखर जाएगी, पूरी दुनिया की जमीन, पूरी दुनिया में जलजला आ जाएगा और टूट के बिखर जाएगी। उस दिन तो हद्दिसु अखबारहा, उस दिन ये जमीन खबर देगी। देखिए द वर्ड खबर इज यूज्ड हियर। अखबार, आपको तो पता है हम उर्दू बोलने वाले हैं, हम अखबार का वर्ड समझते हैं कि खबरों की जमा से है, कि अखबार पूरी खबर देगी जमीन। ठीक है, अब ये देखें, अगर यही जलजले की बात सूरह नबा में भी हुई है, उसमें अल्लाह ताला ने किस तरह बताया है, उसमें अल्लाह ताला ने बताया है अनिन नबाइल अदीम, कि अल्लाह बताना चाह रहा है कि उस दिन हमें नबा खबर मिलेगी, एक बहुत अजीम चीज की खबर मिलने वाली, अनिन नबाइल अजीम, एक बहुत अजीम खबर है ये, वो भी खबर है नबा, और ये अखबार है ये भी खबर है, तो डिफरेंस क्या है। जब हम नबा की बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन नबा एंड खबर, ठीक है, जब हम नबा की बात करते हैं तो नबा वो खबर है जिसका तुम्हें पता नहीं, जो तुम नहीं जानते। खबर तो इस यू कुड बी नोइंग इट, यू मे नो, ठीक है। अब जलजला आएगा, हो सकता है कि आपको पता है कि जलजले आते हैं, आपने जलजले आते हुए देखे, तो जब जलजला आना शुरू होगा तो आपको नहीं लगेगा कि कोई अनहोनी चीज हो रही है, आपको पता है जलजले आते हैं, सुनामी आती है और किस तरह का डिजास्टर होता है, हरिकेन्स आते हैं, आपको इतना पता है कि तूफान और जलजले में क्या होता है, तो दिस इज समथिंग यू नो। जब अल्लाह ताला नबा कहता है कि मैं तुम्हें खबर दे रहा हूँ एक अजीम वाकये की, वो वाकया वो है जो आखिरत का है, जो तुमने कभी ना देखा है, ना उसका कोई तुम्हें अंदाजा है, ना तुम इमेजिन कर सकते हो। जैसे अगर सूरत नबा में क्या क्या बताया, कौन सी खबर दी, कि पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे और जमीन पूरी फोल्ड हो जाएगी अंदर की तरह, और किस तरह लोग भाग रहे होंगे और किस तरह का क्योस और किस किस तरह की चीजें, सूर फूका जाएगा, हमें नहीं पता सूर कैसा वाला फूका जाएगा, तो वो है नबा, ये है खबर। दूसरा पॉइंट ये है द डिफरेंस बिटवीन नबा एंड खबर, कि नबा कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, एनी न्यूज, नबा कैन बी अ पास्ट समथिंग दैट यू डोंट नो और यू डिडंट नो, or something about the present that you didn't know, or something about the past that that future that you didn't know, but khabar is only about the present and the past, okay, it is only the present and the past. And third point is naba is something that you can't expect to compare with anything. नबा वो चीज है, वो खबर है जिसको तुम किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन खबर ऐसी चीज नहीं है, खबर ऐसी चीज है कि जिसे तुम किसी, जो तुम जानते हो, जो तुम्हारे इल्म में है, उन चीजों से तुम कंपेयर कर सकते हो। जैसे हाँ, जलजला, मैं
अपने आप को समझा सकती हूँ कि व्हाट इज जलजला, क्योंकि मैंने जलजले देखे हैं, खबरों में देखे हैं, टीवी पे देखे हैं, मूवीज में देखे हैं। मुझे पता है कि जलजला क्या होता है, कैसे आता है, उसके साथ क्या तबाही आती है। आई हैव एन आइडिया, आई कैन कंपेयर व्हाट इज अ जलजला, दैट्स व्हाई इट्स अ खबर, इट्स नॉट अ नबा। ठीक है, अब अल्लाह ताला कहता है यौमा ए दिन, आप नोट करें ये सूरा स्टार्ट कैसे हुई, इदा जुलजिलतिल अर्द, इजा जब ये अर्द पर जलजला आएगा। यू नो, कभी हम बच्चों को जब डांटते हैं ना, उनको हमको वार्न करना होता है ना, हम ऐसे कहते हैं ना, जब तुम्हारे अब्बू आएंगे तुम तब देखना, मैं उनको एक एक बात की खबर देने वाली हूं, और जब उन्हें ये सारी खबरें मिलेंगी फिर तुम देखना तुम्हारे को किस तरह की ग्राउंडिंग मिलती है। समझ गया, ये डे टू डे बातें हमारी जल्दी समझ में आता है। इसी तरह अल्लाह हमसे बात इजा से शुरू किया है कि जब ये जलजला आएगा और सब कुछ फना हो जाएगा, और फिर अल्लाह ये नहीं कहता इजा यौम तुहद्दिस, कि उस दिन जब तुम्हें उस दिन देखोगे कि ये जमीन खबर दे रही है, अल्लाह ताला कह रहा है यौमा इज़न, यौमा इज़न, इज यौमा नहीं कह रहा, यौमा इज़न कह रहा है। अब अल्लाह ज्यादा नाराज होके ज्यादा सख्ती से बात कर रहा है, अल्लाह ज्यादा नाराज होके कह रहा है यौमा इज़न, और तुम देखना उस दिन जब जमीन एक एक चीज निकाल के बाहर फेंकेगी और एक एक खबर पहुंचेगी मुझ तक। तो हदीस हर हैपनिंग, जो कुछ इस जमीन पर हुआ वो जमीन खुद बताएगी। अब इसके लिए यौम इज़न तुहद्दिस अखबारहा के लिए ये कहा जाता है कि एक तो ये कि जमीन सारी खबर तो देगी अल्लाह सुबहाना व ताला को। एक एक दो तीन तरीका है इसको इसकी मफहूम को समझने के लिए। एक तो ये है कि जमीन अल्लाह ताला को खबर देगी कि उसके ऊपर क्या होता रहा, हम कैसे इसके ऊपर नाचते रहे हैं, हम क्या कुछ करते रहे हैं इस जमीन पर। ठीक है, एक तो ये है कि बताएगा कि क्या क्या किया इस जमीन पर, इन जमीन वालों ने मुझ पर क्या क्या सितम किया, या क्या क्या हंगामे किए, या क्या क्या करते रहे, गुनाह और जो भी अच्छे काम बुरे काम जो भी हम करते रहे वो सब बताएगा। उसके बाद दूसरा तरीका इसको समझने का यूं भी हो सकता है कि जमीन हमें बताएगी, हमारी खबर हमें बताएगी कि तुम क्या करते रहे हो मुझ पर, मैं तुम्हें सहता रहा हूं, तुम बोझ थे मुझ पर, और तुम मुझ पर क्या कुछ करते रहे हो, कितने लड़ाई झगड़े किए, कितने रिश्ते तोड़े, कितने खून किए, कितनी चोरियां की, कितना झूठ बोला, कितनी गीबत की, कितना गबन किया, कितने रिश्वतें ली दी, और क्या कुछ तुमने नहीं कर डाला, कितनी जंगे की, क्या क्या किया। तो जमीन उस दिन खबर देगी। अब दोनों तरह से अब लिया जा सकता है, क्योंकि इट्स अगेन ए वेरी एब्स्ट्रैक्ट लाइन, कि जमीन उस दिन फटके और सब कुछ अपना बाहर फेंकेगी और खबर देगी, और ये भी उस दिन अल्लाह ताला जमीन को जुबान देगा, अल्लाह ताला उस दिन जमीन को जुबान देगा कि तुम बोलो, और जमीन बोलेगी, और जमीन हर चीज बताएगी, हर चीज बताएगी। तो यौम इज़न तुहद्दिसु अखबारहा, इट विल स्पीक ऑफ whatever the people did on it, okay? Imam Ahmad At-Tirmidhi, वो बयान करते हैं एक हदीस, वो बयान करते हैं एक हदीस अबू हुरैरा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने ये बताया कि यौमा इज़न तुहद्दिसु अखबारहा,
उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें पता भी है कि वो क्या खबर है, वो क्या अखबार है जो जमीन देगी? तो सहाबा ने कहा, अल्लाह और उनके नबी बेहतर जाने। तो उन्होंने कहा, जमीन टेस्टिफाई करेगी, जमीन शहादत देगी, ठीक है, शाहिद बन जाएगी हर मर्द और हर औरत के लिए कि वो इस धरती पर क्या करते रहे हैं। और वो कहेगी, एक एक जैसे जैसे उसके अंदर से निकलेगा, वो कहेगी इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया। और उसके लिए ये भी बताया जाता है कि अगली आयत में ही उसको समझाना इजी हो जाएगा। आगे है, बे अन्ना रब्बका अवहालहा, और ये जमीन क्यों बोलेगी, या ये जमीन निकाल के लोगों को क्यों फेंकेगी? बे अन्ना रब्बका अवहालहा, क्योंकि उसके रब ने, बे अन्ना रब्बका, और सुभान अल्लाह, जब अल्लाह ताला ये कहता है ना, रब्बका, तुम्हारे रब ने, तुम्हारे रब ने, अल्लाह मुखातिब हमसे है ना, हमें बता रहा है ना कि जब ऐसा जलजला आएगा तब क्या होगा, जमीन क्या करेगी और क्या कहेगी और कैसे कहेगी, क्योंकि तुम्हारा रब। अब अल्लाह क्यों हम पे एम्फेसाइज करके रब्बका बताना चाह रहा है? क्योंकि तुम्हारा रब था और तुमने उसकी नहीं सुनी, इस जमीन ने सुनी। अब तुम्हारा रब इसी जमीन को इजाजत दे रहा है, हिंट दे रहा है, ओके, कमांड कर रहा है। हर तरह से इस वर्ड को हम ले सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगी ये वर्ड, जिस जो वर्ड है, जो आई एम ट्राइंग टू से 2-3 वर्ड्स आउट ऑफ दैट इज अवहा, और मैं बताऊंगी कहां से आता है वर्ड अवहा लहा, ठीक है। अवहा जो वर्ड है वही से है, और वही और इल्हाम में फर्क है। ऑफ कोर्स हम जनरली यही समझते हैं कि रसूल सल्लम पर वही आई और रसूल सल्लम को इल्हाम हुआ, एक ही बात है। हम कहते हैं कि उनके ऊपर वही आई, कुरान नाजिल हुआ और उन पर इल्हाम हुआ, लेकिन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इल्हाम एंड वही। तो वही इज अवहा, और बेसिकली वॉट इज वही इज, इट्स लाइक इंस्पिरेशन, ठीक है। वही एंड ओहा इज इंस्पिरेशन, हिंट, ओके। तो वही जो वर्ड है या ओहा जो वर्ड है, इट इज समथिंग दैट डज नॉट नीड एनी एक्शन। ये एक इंस्पिरेशन है, आपको अल्लाह ने कोई हिंट दे दिया, ठीक है। इसीलिए ख्वाबों को कहा कि ये नबुवत का 140th या 143rd हिस्सा है, इसलिए कि इसमें इल्हाम हो जाता है या वही आती है, यानी इंसान को अल्लाह ताला कोई हिंट देता है, या कुछ करने की या कुछ समझने की। कुछ करने की है तो वो इल्हाम है, और अगर सिर्फ समझने की है तो वो वही है, यानी अल्लाह ने इंस्पायर कर दिया, आपके थॉट को जगा दिया, तो उसको कहते हैं अवहालहा। अल्लाह गेव अ हिंट और कमांड, व्हाटएवर यू वांट टू से, टू द अर्थ, उस जमीन को अल्लाह ताला अवहालहा, अल्लाह ताला ने, तुम्हारे रब ने उस जमीन को कह दिया कि कहो, बोलो, और उसे जबान दे दी गई, और अब जमीन बोल सकती है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, यौम इज़ी यस्दुरुन नासु अश्ताता, लेट्स गो अप टू हियर, यौम इज़न, और उस दिन, यस्दुरुन नास, सारे इंसान, अगेन द वर्ड नास इज यूज्ड, व्हिच इज नॉट द सेम एज इंसान,
मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा, नफ्स भी इंसान के लिए यूज हो सकता है, इंसान भी और नास भी। यौम इज़ यस्तुरुन नासु, अब अल्लाह ताला नास यूज कर रहा है वर्ड, कि तमाम लोग उठ खड़े हुए, लेकिन दे आर इन अश्तात। अश्तात कहते हैं ग्रुप्स को। एवरी सी अल्लाह सुबहाना ताला लाइक्स डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन, एंड अल्लाह सुबहाना ताला'स आखिरा विल बी क्योटिक फॉर अस टू सी, बट अल्लाह सुबहाना ताला हैज ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड। जब हम उठाए जाएंगे इस ऐसी जमीन में से, जब निकल कर लोग बाहर आएंगे तो अश्तात में आएंगे, ग्रुप्स में आएंगे। सो एवरीबडी विल बी ग्रुप्ड। किस तरह ग्रुप होंगे? एक तरीका सोचने का ये भी है कि इस तरह से ग्रुप होंगे कि सारे चोरों का ग्रुप होगा, सारे मर्डरर्स का ग्रुप होगा, वो सारे जो पैसों में गबन करते थे या एक दूसरे का माल खाते थे, या वो जो बहुत गीबतें करते थे, या वो जो बहुत उल्टे सीधे काम करते थे, सबके ग्रुप्स होंगे। एवरीबडी विल बी इन ग्रुप्स ऑफ व्हाट दे डिड, उनके अमल के लिहाज से ग्रुप्स होंगे। और कैसे पता कि अमल के लिहाज से होंगे? ये मैंने कैसे तय कर लिया? मैं तो आपको ये बता रही हूँ क्योंकि आधी आयत पे हूँ। यौम इज़िन, और उस दिन, यस दोरुन नास, उठाए जाएंगे जब लोग अश्ताता, ग्रुप्स के साथ, ली युराओ, आप देखोगे। ठीक है, अल्लाह ताला कहता है और तुम देखोगे। लेट मी गो टू द नेक्स्ट आया सो दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू। ली युराओ, और युराओ कम्स फ्रॉम रा, देखने से, और तुम देखोगे। ली युराओ और ल है, उस पर एम्फसाइज कर रहा है अल्लाह ताला, और तुम देखोगे या तुम्हें दिखाए जाएंगे, अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स आमालहुम। अब अगेन आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू, फेल भी अमल है, डीड है, एक्शन है, और अमल भी एक्शन है, दोनों ही एक्शन है, दोनों ही डीड्स हैं, फेल एंड अमल। फेल की जमा अफाल है और अमल की जगह आमाल है। अभी क्या डिफरेंस है कि अल्लाह ताला यहाँ पे अफाल नहीं यूज करता है, अफालहुम, अल्लाह ताला आमालहुम यूज करता है। देयर इज अ डिफरेंस। देखें, अफाल जो एक्शंस हैं हमारे, वो एक्शंस हैं जो सबकॉन्शियसली होते हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट कॉन्शियसली डन, दे आर कॉल्ड दी अफाल। जैसे हाँ हाँ मैं सुन रही हूं, लेकिन मैंने तवज्जो से नहीं सुना, तो ये फेल में आ गया। आप मेरी इस वक्त बात सुन रहे हैं, ये अमल में आ गया, क्योंकि आप कॉन्शियसली बैठ के सुन रहे हैं। You are listening, you are not hearing. So there is a difference between hearing and listening. ठीक है? तो एक है consciously करना, एक है not so consciously करना। इस वजह से इसको आमाल कहा गया है। ठीक है? तो अल्लाह ताला कहता है, और दिखाए जाएंगे लोग, उठाकर groups में लाए जाएंगे, और तुम देखोगे, तुम्हें दिखाया जाएगा कि हर ग्रुप अपने आमाल के हिसाब से जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये बातें कितनी बार मैंने शायद बताई होंगी कि अगर हमारे आमाल जूज और क्रिश्चियंस वाले हैं तो हमें उनके ग्रुप्स में उठाया जाएगा। ये है वो आयत जो इसको सपोर्ट करती है। अगर हम जूज और क्रिश्चियंस या हिंदूज या और किसी भी मजाहिब के लोगों के साथ उनकी पैरवी करने लगते हैं, तो हमारे आमाल उनके आमाल से मिलेंगे, और फिर हमें उन अमल करने वालों के साथ उठाया जाएगा। अगर हम नमाजी हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, हज उमरा करने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, तकवा वाले हैं, तो हम उस ग्रुप में उठाए जाएंगे।
तो आप जिस ग्रुप में उठाया जाना पसंद करेंगे, याद रखें उस तरह के अमल पे आ जाइए, और फिर इसी तरह आपको वो अमल करने हैं जिसके गिरोह में आपको फिर उठाया जाएगा। इसीलिए कहा कि जो लोग जैसा अमल करेंगे वो उसी ग्रुप में उठाए जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने अमलों पे ध्यान रखें, जिस तरह के अमल हैं आपको वैसे ही ग्रुप मिलेगा और उनके साथ आप ग्रुप कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखें, अब जो है ना मेन बहुत इम्पोर्टेंट आयत इस पूरे सूरा की आती है, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ। एक उम्दा सी बात है, पिछली हमने की थी सूरा सूरत अल-बैयना, उसमें हमने किया था, अगर आपको याद है कि उसमें हमने किया था इन्नल लदीना कफरू, और फिर कहा था शरुल बरिया, फिर इन्नल लदीना आमनू खैरुल बरिया, तो उसमें शर करने वालों का और उनका अंजाम बताया पहले, फिर खैर करने वालों का और उनका अंजाम बताया बाद में। यहाँ अल्लाह ताला बता रहा है कि खैर करने वालों के साथ खैर का मामला होगा, शर करने वालों के साथ शर का मामला होगा। तो यहाँ पहले खैर बता रहा है अल्लाह ताला और बाद में शर बता रहा है। ठीक है, बुखारी में हदीस रिकॉर्डेड है, अबू हुरैरा से मिलती है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन किस्म के घोड़े होते हैं। एक आदमी घोड़ा रखता है और उसको खिलाता है, पिलाता है, उसकी परवरिश करता है, देखभाल करता है, उसके हर चीज का ख्याल करता है, और हाँ वो कहते हैं अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन किस्म के घोड़े इंसान रखता है। एक वो घोड़ा होता है जो इंसान के ऊपर उसको कवर करता है, उसका शील्ड होता है, एक घोड़ा जो उसका रिवॉर्ड होता है, और एक घोड़ा जो उस पर बोझ होता है। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बता रहे हैं कि वो कौन सा घोड़ा है जो रिवॉर्ड होता है। उन्होंने कहा ये वो घोड़ा है कि जो एक इंसान पालता है, रखता है, उस पे जो भी खर्चा करता है, वो जहाँ का पानी पीता है, जो घास खाता है, जो कुछ भी करता है, और जो कुछ उसकी देखभाल में लगता है, वो सब उसके रिवॉर्ड में काउंट होता है उस आदमी के। ठीक है, तो वो घोड़ा उसके लिए रिवॉर्ड साबित होता है। एक आदमी घोड़ा रखता है, उसको पालता है, संभालता है, सब कुछ करता है, ठीक है, और वो उसको रखता है ताकि वो उस पर जो भी बोझ ढोए या उससे जो भी काम ले, ठीक है, वो इसके इट विल बी काउंटेड इन हिज गुड डीड्स। ओके, और अगर वो लेंथी पीरियड के लिए भी अगर वो उसको यूज करेगा तो उसको खैर मिलेगी, और उसको वो शील्ड करेगा अल्लाह के पास, अल्लाह के पनिशमेंट से वो शील्ड करेगा घोड़ा उसको। ठीक है, क्योंकि वो दुनिया के हिसाब से उसने पाला है, दुनिया के काम ले रहा है। जो पहला घोड़ा था दैट वाज फॉर जिहाद, जो दूसरा घोड़ा था दैट इज फॉर आम अपनी यूज के लिए, खेतों के लिए या अपने ट्रांसपोर्ट के लिए या सामान ढोने के लिए या जो भी। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा घोड़ा वो घोड़ा है जो एक आदमी ने वो घोड़ा रखा, पाला, उसको सब कुछ किया दिखावे के लिए, शो के लिए, ठीक है, अपनी पोजिशन बताने के लिए, ये घोड़ा मेरा है, ये मेरा घोड़ा, और उसके ऊपर तकबुर किया उसने, तो ये घोड़ा उसके ऊपर बोझ बन जाएगा। अब क्यों बता रहे हैं ये रसूल सल्लम, और सडनली मैं ये घोड़ों की क्यों हदीस आपके सामने रख रही हूं, इसलिए क्योंकि यहां बात हो रही है अमल की, वही घोड़ा है, किसी ने एक मकसद के लिए रखा है, किसी ने दूसरे और किसी ने तीसरे, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं पर अमल में पूरा डिफरेंस आ गया, और उसकी वजह से एक रिवॉर्ड बन गया, यानी एक में इनाम मिल रहा है, एक में ढाल बन रहा है, और एक मुसीबत बन गया छोटे से डिफरेंस से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब घोड़ों वाली बात बताई और ये पूरी हदीस जो सुनाई मैंने अभी आपको,
तो एक आदमी खड़ा सुन रहा था, तो उसने कहा गधों के बारे में कुछ नहीं बताता अल्लाह ताला के, इसका क्या होगा हिसाब किताब। तो रसूल सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे गधों के बारे में कुछ नहीं बोला है, बस इतनी सी बात है, एक छोटी सी बात अल्लाह ने बताई, अगर वो समझ आ जाए तुम्हें तो उसको हर चीज पे अप्लाई कर सकते हो, घोड़ों पे भी और गधों पे भी। और फिर नबी सल्लम ने ये आयत फरमाई, वमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। सही बुखारी में अदी रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलती है ये रिवायत कि नबी सल्लम ने फरमाया इत्तकुन नार, फियर वर्ड ऑफ फायर, सेव योर फैमिलीज। ठीक है, अपने आप को और अपनी अपने आप को तुम अल्लाह की कहर और आग और सजा से अपने को बचा लो, चाहे उसको बचाने के लिए आधा खजूर भी इस्तेमाल कर लो। अ हाफ अ डेट कैन सेव यू फ्रॉम अल्लाह रात एंड अल्लाह पनिशमेंट एंड इट विल नॉट बी अ बर्डन ऑन यू। ठीक है, तो ये कि अपने आप को और अपनी फैमिली को अपने आग से बचाने के लिए तुम एक आधी खजूर से भी अपने आप को बचा सकते हो। और फिर नबी सल्लम ने फरमाया कि कभी अपने छोटे से छोटे मामूली नेक काम को हकीर मत समझो। अगर तुम्हारे पास एक बकेट पानी का है और तुम वो किसी के जाकर घड़े में डाल सकते हो, या तुम अपने किसी भाई से मिलकर मुस्कुरा सकते हो, तो उसको मामूली बात मत समझो। और इसीलिए कहा कि एक और सही हदीस है जिसमें नबी सल्लम ने फरमाया कि ए ख़वातीन, अब मोमिनात से अल्लाह नबी सल्लम मुखातिब है और कहने लगे कि ए ख़वातीन, तुम में से कोई भी अपनी किसी बहन के, किसी नेबर के किसी छोटे से छोटे हकीर तोहफे को हकीर मत समझना, क्योंकि देखें उन्होंने किस दिल से दिया है हमें, और क्या पता उसके पास था ही ये, तो उसने अपना सब कुछ आपको दिया है और आपने उसको हकारत से एक कोने में डाल दिया। तो वो खास ख्वातीन को क्यों मुखातिब किया, क्योंकि हम हैं ऐसे जो बहुत जल्दी जज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, कमेंट करते हैं। ठीक है, तो ओ पार्टी ऑफ बिलीविंग विमेन, नन ऑफ यू शुड बी लिटिल अ गिफ्ट सेंट बाय योर नेबर, इवन इफ इट इज फिरसान ऑफ अ शीप। अगर तुम्हें एक छोटा सा फिरसान हूफ, उसका हूफ भी मिलेगा ना, एक बकरी का दुम्बे का एक टुकड़ा भी मिलेगा ना, उसको हकीर मत समझो। किसी ने तुम्हें दिल